कुल गैरेज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है भाई। आज भाई ये जो टेप दिख रही है आपको, यहाँ से हल्की हल्की उतरी हुई है ये। इस पार्ट में पहले मैंने टेप करवाई थी जब ये स्कूटी नहीं ली थी, 2 साल हो गए इस टेप को। ये मैंने 2 साल पहले करवाई थी यहाँ पे। जैसे कोई बैठता बैठता है या कुछ सामान वामान यहाँ पे बांधते हैं तो इसमें निशान से हो जाते हैं, जैसे इस टाइप के हो रखे हैं, तो इनसे बचने के लिए करवाई थी भाई ये। अब ये ख़राब हो गया यार एज के साथ, जैसे टाइम भी हो गया, 2 साल हो गए इसको, तो इतनी चलती है ये, तो फिर भी ज़्यादा चल गई। तो ये टेप मेरे पास पड़ी थी, मैं एन एस पे करने के लिए लाया था, इस पर तो हो नहीं पाई थी ये, तो ये स्पेयर में पड़ी थी मेरे पास। तो ये इस पर करके देखेंगे आज भाई हो पाएगी या नहीं, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है भाई, इसलिए वीडियो भी काफ़ी टाइम बाद डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि लॉकडाउन है तो भाई बाहर नहीं जा सकते, तो वीडियो भी नहीं बना सकते। तो इसलिए अब जो टेप चढ़ाता है उसकी दुकान भी बंद है, तो इसलिए घर पे करके ट्राई देख रहे हैं। तो पहले ये लोग खोल के इसको उतार लेते हैं, फिर देखते हैं भाई बनेगी बात को। अब इसको साइड में रख देते हैं, एक बार मैं आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी मैं वो दिखा देता हूँ। ये टेप है भाई, टेप का रेट बताऊँ तो ये आपको 8100 के आसपास मिल जाएगी एक मीटर, 8000 या 100 रुपये की आपको एक मीटर मिल जाएगी। मैं भूल गया NS वाली वीडियो में मैंने इसका एग्जैक्ट रेट बताया था, उस टाइम मैं जस्ट लेके आया था तो मेरे को याद था। ये हेयर ड्रायर फ्लिपकार्ट से लिया था भाई, 400-450 का। ये थिनर है, नेल पॉलिश रिमूवर बोलते हैं इसको, और ये कटर है। बस भाई ये इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे, और एक कपड़ा कोई भी ले लेना नॉर्मल, इस टाइप का कपड़ा लिया भाई मैंने, कोई भी नॉर्मल कपड़ा चल जाएगा। अब इसको हटा लेते हैं पहले। भाई टेप तो हमने निकाल लिया है, पर जैसे हमने गाड़ी पे से उतारी थी तो टेप भाई उसमें वो नहीं बचे थे, इसके जो फेविकोल के पीछे का गमसा होता है ना इसका, बट इसमें बच गया ये। इसका भाई ये चक्कर होता हुआ कि मतलब अगर 2-2.5 साल तक हो, मतलब ये ज़्यादा टाइम के लिए होता जब अपना गम छोड़ता होगा, क्योंकि वो तो हमने उतार दी थी 5-6 महीने में, तो इसका गमसा रह रहा है। इसको इससे साफ कर लेंगे नेल पॉलिश रिमूवर से, थिनर नेल पॉलिश रिमूवर। ये भाई एक ले लिया इसका पेपर सा, इसमें लगा होता है वो थिनर ऑलरेडी, इसको वहाँ पे ये भाई जो नेल पॉलिश रिमूवर है ना ये थोड़ा ऑयली सा है, तो ये पीछे अपना कुछ स्मूथ सा मटेरियल छोड़ रहा है, तो ये स्लिपरी हो रहा है सरफेस, तो इसको हम पेट्रोल से करते हैं, इसको हटा देते हैं। स्कूटी से पेट्रोल निकालना भाई, पहले हम ये खोल लेंगे। पेट्रोल में तो थोड़ा सा ही चाहिए भाई, बोतल में नहीं निकालना, बस हमें थोड़ा सा चाहिए। ये खोल लिया, अब जैसे हमें ऊपर ही दिख रहा है पेट्रोल, तो ये कपड़े को ऐसे ऐसे कर लेंगे, इसका एक कोना अंदर डाल लेंगे इसके, अब थोड़ा हिला लेंगे स्कूटी को। अगर आपके में पेट्रोल कम है तो आप थोड़ा कपड़े को ज़्यादा अंदर डालना और स्कूटी ज़्यादा हिला लेना। अब इसको बाहर निकाल लेंगे, देखो भाई ये इसमें पेट्रोल आ चुका है इस पार्ट में, इसको बंद कर देंगे। जो भाई ये जो कॉर्नर्स है ना, जैसे ये एज है इसके, ये जो किनारे हैं मतलब, इन पे भाई आपको अच्छे से साफ करना है, ताकि यहाँ पे जो अपना रैप है टेप है कुछ भी कर ले उसको ये अच्छे से चिपक पाए। ये देखो भाई यहाँ पे जैसे थोड़े ब्लैक मार्क्स से लगे हुए हैं, तो पेट्रोल से आपकी ये बिछले जाएंगे।
ये देखो भाई, अब जो पेंट उतरा हुआ है ना, बस वही बचा है, जो ब्लैक ब्लैक थे अपने वो निकल गए हैं सारे। अब जो भाई हमें टेप चढ़ानी है वो चढ़ानी है यहाँ तक, ये ऊपर वाला पार्ट कवर करना है बस, जैसे पहले चढ़ी हुई थी यहाँ तक इतने में चढ़ानी है। और स्प्रे पेंट भाई मैं इस पर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। अगर कोई हमारा अंदर का पार्ट है, जैसे अंडर बॉडी पार्ट है कोई, जैसे इसके अंदर है या कुछ टंकी के नीचे हो गया बाइक में, वहाँ पे आप कर सकते हो, पर जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आए, बारिश पानी वानी मतलब में टच होता हो, कॉन्टेक्ट में आता हो, या फिर यहाँ पे डेली कोई बैठे टच वच हो, तो भाई वो स्प्रे पेंट वहाँ से जल्दी छूट जाता है, वो स्प्रे पेंट वहाँ पे भाई मतलब चलता नहीं है ज़्यादा। तो ऐसे में टेप ही सी चल गई थी भाई हमारी, 2 साल तो चल गई थी कम से कम, और स्क्रैच इसमें भी लगे थे, ये उतरने के बाद लगे यहाँ से, वो उतरी हुई थी। अब ये टेप एक बार इसके साइज की काट लेते हैं, तो अगर आप किसी बड़े पार्ट पे करते हो तो भाई आप मेजरमेंट कर लेना अपना स्केल से या और कुछ आपके पास हो, यहाँ पे तो छोटा पार्ट है तो इसके अंदर ही चल जाएगा, तो इतनी चौड़ी चाहिएगी हमें, और लंबी तो पूरी काट लेते हैं क्योंकि देखो ये स्टोरी, तो एक बार काट लेते हैं भाई इसको। ये भाई टेप के पीछे इस टाइप का कुछ दिया होता है मेजरमेंट में, जो आपकी हेल्प करते हैं, मतलब ये आपका अंदाजा सा बता देता है कि कितनी काटनी है, सीधी लाइन में होता है ना ये, तो इससे आपकी टेप इधर उधर जैसे गलत कैची लग जाए तो खराब नहीं होती भाई। तो मैं थोड़ी ज़्यादा काटूँगा भाई क्योंकि पिछली बार दिक्कत हो गई थी, मैंने NS में जब चढ़ा था तो छोटी काट ली थी, तो इस लाइन के बीच में यहाँ से काट लेते हैं इसको पूरे ऊपर तक। ये इतना पार्ट कट कर लिया भाई हमने, तो इसमें हो जाने चाहिए अपना काम। पहले भाई ये इसके पीछे की पूरी उतार लेंगे जो इसकी लेयर सी होती है, उसके बाद इसको बीच में से यहाँ पे प्लेस करेंगे, उसके बाद इसकी साइड को कवर कर देंगे। जब भाई मैं करूँगा जब भी बता दूँगा आपको, एक बार मैं पहले वैसे ही बता रहा हूँ आपको, और फिर इसको हीट गन से फैलाते रहेंगे धीरे धीरे। तो ये भाई पूरी निकाल ली हमने, लास्ट में से थोड़ा सा छोटा है पकड़ने के लिए भाई। अब ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये यहाँ से हमें बीच में यहाँ पे रखना है, ये तो हो गया भाई अपना सक्सेसफुल। अब बस इसको हीट गन से यहाँ से थोड़ा फैला फैला के नीचे तक लेके जाना है, और साइड में इसके कॉर्नर्स कट कर दिए। अब भाई हमें इस पार्ट से स्टार्ट करना है, यहाँ से इसको नीचे तक लेके आएंगे, कर्व करते करते थोड़ा थोड़ा इसको मोड़ते हुए स्टार्ट करते हैं भाई। अब जैसे भाई यहाँ से ठीक चढ़ी गई है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ी ही खट्टी हो गई, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर उठा के इसको हीट करके ठीक हो जाएगी। अब भाई यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट चढ़ चुकी है इस साइड से, ये एक बबल है
इसको हम क्या करेंगे, ये जो कटर है इसे लास्ट में इसको मार के इसमें से हवा निकाल देंगे, इसकी ये परफेक्ट हो जाएगा। अब बस हमें यहाँ से कटिंग करनी है, साइड से बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है और अब उस साइड ही चढ़ाते हैं इसकी। अब भाई इस साइड से यहाँ तक भी पूरी ठीक आ चुकी है। अब जो ये पार्ट है ना, यहाँ पे इसको अलाइन करना है, इसके ऊपर लानी है ये मतलब, तो इसको भाई यहाँ से हमें हीट करके इस टाइप को इस साइड मोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, जब जाके यहाँ पे आएगी। तो अब करते हैं इसके बाद किरण को पार्ट से यहाँ से मोड़ के जिससे यहाँ पे कटिंग करेंगे किनारों पे से। से भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है और इस साइड से तो पहले ही कर दी थी हमने। अब ये एक्स्ट्रा यहाँ से जो नीचे की बची है ये काट देंगे और फिर इनके कॉर्नर्स अंदर की तरफ मोड़ के फिर यहाँ पे किनारों से काट देंगे भाई। इस साइड का काट लिया। अब यहाँ से जैसे जैसे ड्रायर मारेंगे हम, ये टेप थोड़ी फैलती चली जाएगी और ये फिर इसको अपने इधर अंगूठे से अंदर की तरफ दबा के हो जाएगी। तो अब तो ज़्यादा काम नहीं बताया भाई, कर लेते हैं, मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ इसको कैसे करना है। पार्ट की सही होगी फिनिशिंग, ये एक्स्ट्रा काट लेते हैं यहाँ से, इनको कटवा देते हैं अंदर की तरफ मोड़ते हैं। यहाँ से अच्छे से चिपकने चाहिए, यहाँ से सबसे जल्दी हटती है टेप। बाकी अभी ये कटिंग रहेगी बस नीचे की साइड का हो गया। अब भाई इस साइड का पूरा हो चुका है बढ़िया, यहाँ से अंदर की तरफ मैंने मोड़ भी दिया इसको और किनारे से काट दिया था। अब इसको हीट करके इसको भी ऐसे कर लेते हैं।
अब भाई देख लो ये अपना कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग भी इसमें से ही आ गई है। पास से दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो अपनी पहले लाइन सी हो रही थी ना वो भी वही सारी नहीं आई, मतलब एक दो लाइन देखो जैसे कि यहाँ पे आई है, बाकी और प्लेन है पूरा सरफेस। सही हो गया, अब लुक ठीक आ रही है इसकी। तो भाई इसमें भाई जो टाइम लगा वो लग गया भाई मेरा 40 मिनट के आसपास। जो चीज़ें यूज हुई वो मैंने आपको पहले ही बताई थी, एक बार और बता देता हूँ। ये हेयर ड्रायर को गर्म करने के लिए, और ये अपनी टेप चाहिए भाई, कटर चाहिए, एक थिनर या पेट्रोल से बता दिया था फिर मैंने इसके बाद, तो पेट्रोल यूज कर लेना आप, पेट्रोल सही रहेगा। एक कैंची चाहिए भाई टेप काटने के लिए। तो ये हो गया अपना, ठीक है भाई फिर इस वीडियो में इतना ही।